फिर से शुरू करते हैं आज का गेम। और आज मैं फिर से एक और रैंडम मैच खेलने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चैलेंज भेज दिया है, देखेंगे कौन एक्सेप्ट, आई मीन कैसे कनेक्ट होता है। आई थिंक लीचेस इसको रैंडमली कनेक्ट कर देगा, तो देखेंगे। मिल गया है, इट इज़ पावेल। पावेल कहाँ से है ये नहीं मालूम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी। उसको हाई भेज देंगे और गुड लक भेज देंगे। अरे वो तो गेम में लेफ्ट द गेम, वाई? अरे उसने कनेक्ट ही नहीं किया। अरे आ जा भाई, अभी 5 सेकेंड है, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर और एक बार हम न्यू ओपोनेंट ले लेंगे। चलो ठीक है, आई थिंक वो गेम नहीं खेलना चाहता था तो उसने गेम छोड़ दिया। चलो मैं नया ओपोनेंट ढूंढेंगे अभी। तो अभी हमको एक गेम खेलना है और ये सुबह का समय है। चलो लेट्स सी, रेड रुक। ओके, रेड रुक फ्रॉम अर्थ, लेट्स सी। ओके चलो, हम एज यूजल हम D4 से शुरू करेंगे और देखेंगे मेरा ओपोनेंट क्या रिप्लाई करता है। पिछले गेम में क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड आया था। ओके सो क्वींस गैम्बिट से शुरू करेंगे। ओके स्लाव डिफेंस, चलो आज हम स्लाव डिफेंस फेस कर रहे हैं और उसने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। ओके स्टोन वॉल स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक तरह का स्टोन वॉल स्ट्रक्चर है जो वाइट यूजुअली खेलता है, तो इस बार ब्लैक ने वो स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। तो लेट्स सी हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये यूजुअली ब्लैक खेलता है, बट इसको कैसे डिफेंड करेंगे लेट्स सी। ये मार देंगे, ये मारने पर क्या होता है, थोड़ा सा अटैकिंग कम हो जाएगा। बिशप से जो अटैक आता है किंग के ऊपर वो कम हो जाएगा, तो उससे हमको यहाँ पे एक टेम्पो मिल गया। तो अब हम अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम इधर कैसलिंग क्वीन साइड करेंगे, किंग साइड करेंगे तो बिशप G2 वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर, बट वो अपना यहाँ पे खेल के ब्लॉक कर देगा। सो लेट्स गो विथ नॉर्मल कैसलिंग, बिशप D3 और कैसलिंग शुरू करेंगे। कहीं पे मुझे लगता है कि वो अपना यहाँ से अटैक शुरू करेगा, तो उससे पहले हमें अटैक करना चाहिए यहाँ पे। ओके ओपोनेंट अभी सोच रहा है, उसका ओपनिंग नॉलेज अभी यहाँ से ख़त्म हो गया है, एंड ही इज़ प्लानिंग फॉर सम अटैक। देखते हैं B6। ओके अभी C5 पॉन टारगेट है, मोस्टली वो ऐसे खेल के इस पॉन को टारगेट करेगा। तो या तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। सोच रहा हूँ कि सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे, कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्वीन साइड बहुत एक्टिव है। ओके तो बिशप आ गया अभी। कैसे अटैक करेंगे। ओके यहाँ पे मुझे कुछ प्लान मिल रहा है, हम यहाँ पे एक्सचेंज करके क्वीन A4 खेल के यहाँ से टारगेट शुरू करेंगे। आई थिंक सो यहाँ पे हमको फायदा हो सकता है, थोड़ा सा अटैक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अटैक।
ओके, तो उसने ये नाइट को मारने का प्लान बनाया है, तो चलो F4 से डिफेंड कर लेंगे। ओके, ऐसे यूजुअल टाइम में हम यहाँ F6 कैप्चर करते हैं ताकि यहाँ पे हमको रुक को आने के लिए जगह हो जाए और हम अटैक कर सकें। बट अब हमारा प्लान स्विच हो गया है। आई थिंक ये क्वीन यहाँ लेके जाने का काम फायदेमंद नहीं रहा, तो हमको अब स्विच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। चलो अभी हम स्विच कर देंगे। यहाँ पे मुझे कुछ अटैक दिख रहा नहीं है अभी, तो अब हमें क्वीन पीछे ले जाना चाहिए और किंग साइड अटैक प्लान करना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से यहाँ आएगा और अटैक करने की कोशिश करेगा। यस, मैंने पीछे ले लिया, उसने अटैक शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये अब डेंजर हो गया है। नाइट को कहीं और लेके जाना पड़ेगा। कहाँ एक्टिवेट करेंगे नाइट को? आई थिंक क्वीन पीछे लेके जाना उतना अच्छा मूव नहीं था। क्या करेंगे, नाइट इधर जाके इधर लेके जाएंगे तो एक टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ किंग साइड अटैक एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट उसका भी अटैक पॉसिबल है। वो भी इधर अटैक कर सकता है, जैसे ये हो ऐसे अटैक कर सकता है वो, तो प्रॉब्लमेटिक मूव है। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे। लेट्स सी इफ वी कैन अटैक। कोशिश करेंगे कि हमारा अटैक शुरू हो। अगर उसने ये टारगेट किया तो हम ये खेलेंगे। ओके, वो सोच रहा है, इसका मतलब अभी वो प्लान कंपेयर कर रहा है कि अटैक रोकने का कोशिश करे या अपना अटैक बढ़ाए। यहाँ पे हमने दोनों ने भी स्विच किया प्लान। मैंने किंग साइड अटैक प्लान शुरू किया, उसने क्वीन साइड अटैक, जबकि मैं क्वीन साइड भी बढ़ा सकता था, बट मुझे लगा क्वीन साइड पे वो एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसे प्लान करता हूँ तो वो भी अपना रुक इधर ला के एक्सचेंज कर देगा, तो इस वजह से मैंने प्लान को स्विच किया। तो अभी उसने वो प्लान शुरू कर दिया है क्वीन साइड अटैक का, तो अभी मुझे किंग साइड अटैक करना है। तो मैं इधर पे पीसेस को किंग साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। तो किंग साइड अटैक जो है ना, क्वीन साइड अटैक से थोड़ा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उस पर किंग के ऊपर अटैक आने का चांसेस रहता है, इसलिए चेक आ जाएगा और चेकमेट होने का चांसेस रहता है। तो मैं अपने प्लान से आगे बढ़ूंगा अभी। हो सकता है वो मेरा प्लान देख के वापिस आ जाए, अपने किंग को बचाने के लिए वो क्वीन और रुक लेके वापस आ जाएगा डिफेंस करने के लिए। उसका डिफेंस पे आने से पहले मुझे स्ट्रॉन्ग अटैक करना है। सो लेट्स सी, शायद मेरा जो प्लान मैंने किया है कि ये रुक इधर आएगा इधर, और फिर बाद में ये रुक भी ज्वाइन करेगा, शायद ये प्लान वर्क कर जाए। तो उसने अटैक शुरू कर दिया है। ओके, उसका प्लान सिंपल है, वो ये पॉन ले लेगा, और मुझे वो पॉन से ज़्यादा लग रहा है कि उसके किंग के ऊपर अटैक करेंगे तो फायदा होगा। तो मैं अपना अटैक लेके जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूं, बट उसका भी अटैक है, वो भी ये प्लान कर सकता है, और ये चेकमेट का प्लान हो रहा है इधर पे, तो इसको मुझे रोकने का प्लान करना पड़ेगा। ठीक है।
कोशिश करेंगे, देखेंगे। अब अटैक दोनों तरफ से चालू हो गया है, मैं अपने क्वीन और रूक से उसके किंग पर अटैक कर रहा हूँ। शायद वो क्वीन डी टू खेल के मेरे किंग पे अटैक करे, पर शायद वो अभी सोच रहा है कि पॉन लूँ या अटैक करूँ, ये दोनों में उसमें इसीलिए वो उतना टाइम ले रहा है। तो लेट अस सी, मुझे तो लगता है कि मेरा अटैक स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, उसने पॉन ले लिया, मुझे उस पॉन से ज़्यादा मुझे अटैक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो पॉन से ज़्यादा मुझे अटैक लेना है। तो कैन वी स्टार्ट द अटैक, उसके पास कुछ प्लान है। वो शायद रुक के A1 खेलेगा और मुझ पे अटैक करेगा वो। तो उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मार दूंगा तो फिर से चेक आने का चांसेस हो जाएगा, किंग बच नहीं सकता। लेट मी डिफेंड, ओके, मैं अपना डिफेंस जारी रखूंगा। ओके गुड, जैसे मैंने सोचा था वो अटैक कर रहा है। अभी इस एंड गेम में यहाँ तक देखा जाए तो उसके पास एक पॉन एक्स्ट्रा है एंड आई एम इन ट्रबल। तो देखेंगे मैं कुछ अटैक कर सकता हूँ या ट्रबल नहीं। मैंने शायद कुछ गलती कर दी है। बोलो आर्यन, क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ पे आर्यन भी मेरे साथ है और मैं अटैक करना चाहता हूँ, लेकिन अब ओपोनेंट ने मेरे अटैक ऊपर किसको करना चाहते हो? G7 पे मैं प्लान करना चाहता हूँ आर्यन, बट यहाँ पे भी उसका अटैक मेरे से पहले है। वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा और मैं बच नहीं सकता इधर से, और भागने का रास्ता भी नहीं है। पापा नेट करना एक मिनट, कोशिश करेंगे कुछ करने है का। पापा, अगर नाइट इधर नहीं, इधर जंप करने के लिए इधर तो होता चलिए यहाँ से शुरू नहीं। करेंगे, हम ये अपने किंग का रास्ता बना देंगे ताकि आगे कुछ भी डेंजर आए, जब ये ऐसे मारेगा तो ये हमको किंग के ऊपर डेंजर आने का चांसेस रहेगा। ये मेरा प्लान है, शायद काम कर जाए। तो ये मेरे ओपोनेंट ने मार दिया। अभी और क्या अटैक होने वाला है? चलो इसको अगर मैं रुक लेता हूँ तो एक मूव लॉस हो जाएगा, किंग से मारता हूँ तो क्वीन से चेक आ जाएगा और मुझे यहाँ से बढ़ना पड़ेगा, फिर चेक आएगा और फिर आई थिंक सो फोर वो रुक लेके आ जाएगा और ये डेंजर हो जाएगा। वो उधर रुक से ही चलो, मारना बेटर लग रहा है, रुक से ही मारना बेटर लग रहा है। मैं खेलता था पर मैं वीडियो नहीं बनाता था, स्कॉलरशिप में हारे थे। हाँ, बट स्कॉलर्स मेट सबके साथ नहीं चलता ना अरे, स्कॉलर्स मेट बिगनर के साथ चलता है, हायर लेवल प्लेयर के साथ यू हैव टू प्ले गुड ओपनिंग्स। जैसे ये, हाँ रेड रुक है, वो उसका नाम रेड रुक है और उसने एक टाइप ऑफ स्टोन वॉल अटैक यूज किया ब्लैक से। मेरा क्वींस गैम्बिट था लेकिन उसने ब्लैक से स्टोन वॉल अटैक यूज अरे किया। ठीक है अरे, डोंट मेक नॉइस। RDD रेड रुक, RWK रुक, तो उसने अपना नाम रखा है रेड रुक। यस आर्यन, हाँ RDD रेड होता है, करेक्ट। तो ये है रेड रुक, अभी ये मेरे पॉन को मारने वाला है, सॉरी ये पॉन को, तो इसको बचा लेंगे। किंग को कैसे भी हमारे इधर जगह है, हम बचा के जा सकते हैं। अब उसका चेक आएगा इधर, ये चेक या ये चेक, हम इधर भाग जाएंगे और इसके बाद हम ये अटैक प्लान करेंगे। आर्यन डोंट मेक नॉइज, जी यहाँ पे एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन आ चुका है। अगर यहाँ पे मैंने अटैक नहीं किया तो ओपोनेंट सिंपली एक्सचेंज कर देगा, और एक बार अगर एक्सचेंज हो गए पीसेस तो ब्लैक आराम से जीत रहा है। उसका ये पास्ट पॉन आराम से क्वीन बन जाएगा, जिसको रोकने के लिए मेरा किंग और क्वीन दोनों भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, और रुक जैसे वो किंग साइड चले गया है। सो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब उसका प्लान सिंपल है, यहाँ आएगा और ये चेक देगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डेंजर हो गया अटैक। पापा मेरे पास एक घर है।
कैसे बचाएंगे अभी इसको, हम फंस गए। एक आइडिया है सब। यस सारे आइडिया तो बहुत सारे हैं बट हम इधर फंस गए, अब अटैक कैसे करेंगे पापा? इधर देखो कौन है, दोनों कौन को अटैक कर रहे हैं ना, तो इनटू मारो, वो इनटू मारता है और आपको ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद मेट करने का आइडिया मिलता है। वही प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उसका अटैक मेरे से पहले आ रहा है ना आर्यन, उसका अटैक मेरे से पहले आ रहा है क्योंकि वो दो मूव में आ रहा है, मेरे को तीन मूव लग रहे हैं अटैक करने को, मेरा अटैक थोड़ा सा स्लो है। चार मूव या दो मूव में अभी यहाँ पे मुझे अगर अटैक शुरू करना है तो उसका अटैक स्ट्रॉन्गर है मेरे से, तो चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। रेड रुक है, रेड रुक तो अच्छा नाम है, रेड रुक मतलब वो किसी को भी रोक। चलो कोशिश करेंगे, अभी तो ऑलरेडी ये हम लॉस पोजीशन में आ गए। यस हम कोशिश करेंगे, कुछ तो कुछ गड़बड़ होगा तो हम कोशिश करेंगे, फिर भी यहाँ पे अभी ऑलरेडी वी आर इन अ लॉस पोजीशन और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुछ अटैक हो सके। एक्सचेंज हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अटैक है हमारा आर्यन, कुछ तो कोशिश करके हम इस अटैक को सक्सेसफुल करेंगे। सक्सेसफुल तो मैं आप भी कर सकता हूँ। कैसे? उसके लिए हमें ओ हो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए यहाँ पे अटैक। यस हम तो ट्रबल में आ गए, अभी वो ये मार रहा है और उसने डिफेंस भी कर लिया है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आई थिंक मैंने उसको बहुत कम मार दिया। ओके अगर वो ये पॉन लेता है तो मैं ये पॉन ले लूंगा। ओके तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हम ये बैड पोजीशन में आ गए हैं एंड वी आर इन किंग एंड रुक एंड गेम एंड आई एम वन पॉन डाउन। ओके सो चलो अभी डिफेंस करना एक ही है और यहाँ पे अटैक तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने अटैक के चक्कर में बहुत सारा लॉस कर लिया है, तो अब हम दूसरी तरफ अटैक करेंगे, स्विच अटैक फिर से। अब हम किंग साइड की तरफ अटैक करेंगे, क्वीन साइड, यानी किंग साइड का अटैक तो फ्लॉप हो गया है, तो लेट अस ट्राई टू डू अटैक ऑन दी क्वीन साइड, कोशिश करेंगे कि हम अपना पोजीशन बचा सकें। किसी तरह अगर हमने अपने पीसेस को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया पॉन्स को तो ड्रॉ का चांस है, कोशिश जारी रहेगी। अब वो इधर से इधर अंदर आएगा एंड उससे पहले हमको इधर पे ब्लॉकेज क्रिएट करना है, तो बेस्ट मूव रहेगा किंग एच थ्री और जी फोर, अगर उसने मार दिया तो हम इधर आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मारा तो हम पॉन को आगे बढ़ाएंगे। यस ये मुझे चाहिए था, अब हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ से सिंपल हमारे किंग को इधर लेके जाना है और किसी तरह हमको अपने पोजिशन को ब्लॉक करना है। ये पोजिशन टोटली अभी ब्लॉक हो चुका है, चांसेस ऑफ ड्रॉ बहुत अच्छा है क्योंकि उसको एंट्री नहीं है, अगर वो रुक खेलता है तो ये पॉन जाएगा और अगर किंग लाएगा, यस ही कैन ब्रिंग द किंग, एक्चुअली ये किंग आ रहा है, अरे ये तो परेशानी हो जाएगा, यहाँ पे किंग आने के बाद मेरे ग्रुप को अटैक करेगा ना वो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट उससे पहले हम अपना किंग को लेके आ जाएंगे तब तक। चलो लग तो रहा है कि ये डिफेंड हो जाएगा, बट ये भी अच्छा प्लेयर है, ये भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसको हमने थोड़ा सा कम मांग दिया। नहीं बट चेक देंगे तो ये इधर आ जाएगा, आई थिंक ये C7 खेल देगा, आई थिंक वी कैन ट्राई, एक चेक ट्राई करके उसको कंफ्यूज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये अब ये आगे बढ़ाने वाला है और हम परेशानी में होने वाले हैं, तो इसको हम आगे बढ़ के ब्लॉक करेंगे। हमारा किंग उसके किंग से थोड़ा एक्टिव है जिसको हम यूज कर सकते हैं, अगर उसने ये चेक दिया तो हम ये वापस आ जाएंगे, उसको एंट्री करने नहीं देना है, अगर वो एंट्री कर दिया तो वो अपने हमारे ये रुक को इधर से अटैक शुरू कर देगा, हमारे पॉन्स को नॉट रुक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास डिफेंस का ये एक तरीका है कि हम उसको ऑन एंड देंगे और अगर उसने कुछ और बढ़ाया तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हम अटैक करेंगे। तो ये देखा हमने कि वो यस आई थिंक सो, अभी हम अपने
किंग को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किंग खेलेंगे किंग रुक चेक रुक बी एट रुक इन टू किंग इधर आएगा। यस ये किंग एंड पॉन एंड गेम तो पूरा लॉस है। इसको हम कैसे खेल सकते हैं? यस आर्यन ओके ओके टाइम जा रहा है, कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह हम इसको अटैक करके बचा सके। मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, चलो हम स्विच अटैक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, स्विच टू द अदर साइड। ओके तो इससे हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अटैक करने का, और शायद हम उस अटैक को यूज करके बच सके। ओके आई थिंक मेरा ओपोनेंट ये समझ गया है कि अटैक अभी स्विच हो रहा है और उस तरफ आ रहा है, तो वो अभी वो ये यूज करेगा इसको बचाने के लिए। तो हमको थोड़ा सा टाइम मिल गया और उस टाइम को यूज करके हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। चलो अभी यहाँ पे हम स्विच अटैक कर रहे हैं यहाँ से, और इस वजह से हमको चांसेस अच्छा बन गया है। आई थिंक यहाँ पे मिनिमम ड्रॉ का चांस बन रहा है, उसको हमने अच्छा सा एक तरह से हमने उसको दोनों तरफ से अटैक करके ब्लॉक कर दिया है। अभी यहाँ पे ये मेरा अटैक रहेगा और यहाँ पे किंग अटैक करेगा, तो इस वजह से उसके पीसेस टाइड अप हैं और इवन उसका पॉन एक्स्ट्रा रहते हुए भी वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो चलो ये अटैक करते हैं, देखेंगे उसका कुछ अटैक बन रहा है। ओ मैंने गलत कर दिया शायद, ओके ये मिस्टेक हो गया आई थिंक। सो मुझे स्विच करना चाहिए था, अभी मैं एक्सचेंज करता हूँ तो ये एंड गेम लॉस्ट है आई थिंक। सो एक मिनट, चलो कैलकुलेट करेंगे, ये एंड गेम लॉस है या ड्रॉ है। किंग टू किंग इनटू के बाद किंग बी सेवन किंग बी फोर ए सिक्स किंग ए, ये ड्रॉ है। यस अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो ये ड्रॉ है, बट शायद मैं इसको जीतने का कोशिश कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ और खेलने जाऊँगा तो उसका रुक इधर आ जाएगा, फिर मुझे डिफेंस करते बैठना पड़ेगा। ये मार के ये मारूंगा तो भी वो मारेगा और चेक आएगा। ओके पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अगर मैंने वो ट्राई किया तो। शैल वी टेक द रिस्क? अरे मैं गेम होने तक बात मत करो। शैल वी टेक द रिस्क और ड्रॉ द गेम? अगर हम ये एंटर करते हैं तो ये पॉन मारेंगे, वो ये लेगा और उसके बाद चेक किंग पीछे जाएगा और हमको एक और पॉन मिलेगा, उसको भी ये पॉन मिलेगा। हम यहाँ से उसके और एक पॉन को भी मार सकते हैं और उसके बाद उसका भी पास्ट पॉन बन रहा है, हमारा भी पास्ट पॉन बन रहा है। क्या हम ये जीत सकते हैं? क्या हम ये जीत सकते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो रहा है। पोजीशन इज नो रिजाइन तो बिल्कुल नहीं करना है। अरे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में रिजाइन करना मतलब बहुत गलत बात होगी। यू हैव टू फाइट टिल द एंड, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, कोशिश करते रहना। चलो ठीक है, यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लिकेटेड रुक एंड गेम मिल गया है जिसमें चांसेस है कि हम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। यहाँ पे तो लग रहा है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में फंस गया हूँ और लग रहा है कि मैं इसमें बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन कोशिश जारी रहेगी क्योंकि मेरे पास एक पास्ट पॉन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जीत जाऊं। यहाँ पे उसका पास्ट पॉन, ओह आई थिंक सो उसने गड़बड़ कर दिया, ये चेक देना चाहिए था, मैंने मिस्टेक कर दिया था। अगर उसने ये मार दिया रहता तो वो आराम से जीत सकता था, उसने मिस्टेक कर दिया। उसने देखो यहाँ पे ऐसे हो जाता है एंड गेम्स में, बहुत चांसेस रहते हैं कि ओपोनेंट तुम्हारा मिस्टेक कर देगा। मैंने भी ये गलती कर दिया, ये रुक से मारना नहीं चाहिए था आई थिंक सो। वो इजी विन था उसके लिए। अभी उसका टास्क रहेगा सिंपल, ये पॉन मारेगा, लेकिन उससे पहले हम किसी तरह हमारा पॉन आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये बढ़ गया है और ये यहाँ पे अटैक करके ओके आई थिंक सो उसे ये प्लान करना चाहिए था, रुक का प्लान। ये वाले प्लान में मेरे पास ये डबल अटैक है और मैं कभी भी उसका पॉन मार सकता हूँ, तो आई थिंक आई एम विनिंग नाउ।
मैंने उसको फंसा दिया, अब ये गेम जीत सकता हूँ मैं। हाँ ये अच्छा मूव है, ये अच्छा मूव है। हालांकि ये पॉन यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इससे पहले मेरा अटैक आ रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ। अरे डोंट मेक नॉइस, क्योंकि यहाँ पे मैं अटैक कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ यहाँ पे। वो ये पॉन बढ़ाएगा अभी, लेकिन उसको हम रोक लेंगे। ओके एक्सेलेंट, उसने ये पॉन को बढ़ा दिया। अब उसको एक ट्रिक में फंसा सकते हैं हम, शायद वो ट्रिक में फंस जाए, नहीं बट उसका एक मिनट का उसके पास देखेंगे क्या है, उसको ट्रिक में फंसाएंगे। चलो वो पॉन बढ़ाएगा, अरे वो यस चेक दे दिया उसने, अब हम फंस गए। चलो यहाँ पे हम फंस गए, शायद मुझे वो खेलना नहीं चाहिए था, मैंने वो खेल दिया, गलत हो गया, अभी मैं फंस गया हूँ इधर। चलो नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया आर्यन, यहाँ पे मुझे ये नहीं खेलना चाहिए था, मैंने वो ट्रिक ट्राई किया वो फंस गया, एक्चुअली मुझे कुछ और खेलना चाहिए था, आई थिंक ब्लंडर हो गया। नहीं वो नहीं जीत सकते आर्यन, यहाँ पे गलती हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं जाने दो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ये, आई थिंक सो मुझे यहाँ पे जो खेला था मैंने वो गलत खेल दिया, तो अब ये एंड गेम लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम ट्राई करेंगे, शायद वो टाइम क्यों देगा, वो उसको उसको टाइम क्यों देगा। चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश रहेगी ज्यादा, देखेंगे शायद हमको ये क्वीन बनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसका अभी प्रेजेंटली कोई भी चेक नहीं है, प्रेजेंटली उसके पास कोई भी चेक नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे चेक देने का चांस बन रहा है। और अगर वो रुक को हटाता है तो यहाँ पे हम डबल अटैक कर सकते हैं, ये वाला डबल अटैक करके उसके क्वीन को मार सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, बट फिर भी उसकी जीत होगी क्योंकि उसने ऑलरेडी पोजीशन अच्छा ले लिया। नहीं कर सकते अभी, पिन हो गया ना आर्यन, पॉन पुश करेंगे तो पिन हो गया, सो वी आर इन मेस नाउ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कैसे करेंगे, ये हटा भी नहीं सकते। ओके आई थिंक दिस पोजीशन इज रिजाइनेबल, पोजीशन तो रिजाइनेबल हो गया है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया आर्यन, है ना। चलो ठीक है, इसको हम रिजाइन कर देंगे अभी, इट इज़ ऑलरेडी बैड पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हम डिफेंड नहीं कर सकते। चलो कोशिश करेंगे, कुछ तो खेलेंगे, शायद कुछ बन जाए। यस अरे यस, देखो उसने ये पिन कर दिया, एक सेकेंड आ रहे हैं, एक सेकेंड ना, शायद कुछ हो जाए, पॉन खेल देंगे अभी, वो रुक या अभी ये खेलने की जरूरत नहीं है। वो तो है, अभी कैसे भी जा रहा था ना रुका, हमको अटैक का चांस नहीं था, शायद कुछ ट्राई कर सके, स्टेलमेट का ट्राई, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ओके चलो रिजाइन कर देंगे। ओके सो ये हम गेम छोड़ देंगे, आई थिंक सो कहीं पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, जो इन गेम में आया था ये जो मूव था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया शायद, ये पोजिशन में मुझे लग रहा है कि वाइट को विन था, यस ये विन था वाइट के लिए, मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, ये जो खेल के मैंने ये खेला इसमें बहुत सारा लॉस हो गया, अगर मैं किंग डी सिक्स खेल रहा था तो ये डेफिनेटली विन था, यहाँ पे ये चेकमेट हो रहा है और ये पॉन पुश होके आगे विन हो रहा है, तो ये जो पोजीशन था ये मैंने ब्लंडर कर दिया। सो यहाँ पे ये जो मूव था किंग डी फाइव, ये मेरा ब्लंडर था, तो मुझे लगा था कि कहीं तो मैं जीत रहा हूँ आर्यन, आर्यन तूने मुझे डिस्टर्ब करके मेरे को बैड पोजिशन में ला दिया। देखो यहाँ पे मैंने एक मूव कैलकुलेशन गलत कर दिया, किंग डी सिक्स पहले खेलना चाहिए था, मैंने यहाँ पे एक लॉस कर लिया, किंग डी सिक्स किंग डी फाइव
यहाँ खेलने पर एक मूव लॉस हो गया और उस एक मूव में उसको ये चांस मिल गया कि वो चेक दे सके और अपने पॉन को सपोर्ट कर सके। ओके तो अच्छा गेम था, बहुत सीखने को मिला यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये जो पोजीशन था विनिंग चांस अच्छा आया था, बट उसको मैं यूज़ नहीं कर पाया। ओपोनेंट को मैंने कंफ्यूज करके बैड पोजीशन में ला दिया था, बट फिर एक मूव की वजह से गड़बड़ हो गया। रुक एंड पॉन एंड गेम बहुत अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और मैंने जो जो ये प्लान किया था ये इंटर करके उसको मारने का, उसमें भी मुझे अच्छा मौका मिला था। शायद उसने ये जो पॉन एंट्री किया ये रॉन्ग था। यहाँ पे देखो उसने भी ये बहुत बड़ा मिस कर दिया, यहाँ पे रुक A4 चेकमेट था, ये उसने भी मिस कर दिया। तो रिस्क दोनों ने भी लिया था, बट उसने फाइनली ही वॉन द गेम। इट वॉज गुड, इट वॉज अ गुड लेसन। फिर हम इसको और डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।